हेलो गाइस, कैसे आप लोग? और मैं हूं आप लोगों के साथ अभी दोस्त होस्ट रजवीर। तो कैसी चल रही है ये यूरोपियन लीग आप लोगों के लिए, क्योंकि यूरोपियन लीग तो बहुत ही अच्छी जा रही है जैसा कि मैंने बोला था। और यूरोपियन इस सीजन शुरू होने से पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि इस लीग में कैसे खेलना है, कैसे लगाना है या फिर कैसे खाना है, तो कैसे आप लोग इस यूरोपियन लीग में पैसा कमा सकते हैं। अगर उस वीडियो का अब तक नहीं देखा तो ऊपर आइकॉन बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लेना है, क्योंकि बहुत एक अच्छी प्रॉफिट कमाने वाला वीडियो है। और मैंने जिस तरह से बोला है उसी तरह ही यूरोपियन लीग चल रही है, और उस वीडियो में सब कुछ ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए, सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो है। तो आज बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज भी एक पांच जो है वो मैचेस है, और ये पांचों मैचेस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रॉफिट वाली मैच होगी, क्योंकि 2-3 मैच तो ऐसी है कि आप लोगों को सेम टू सेम टीम है और उतना रेट ज्यादा रेट नहीं उठेगा मार्केट में, क्योंकि दोनों टीम जब अगर ये जो भारत और पाकिस्तान एक साथ होती है तो कैसी रेट होती है आप लोगों को मालूम ही है कि सेम टू सेम रहती है। तो इसी तरह की 2-3 मैच है और आप लोगों के लिए बहुत ही एक पैसा कमाने वाला दिन है आज। तो बात करता हूँ पहले मैच के, जो पहली मैच है वो है एसटीटी वर्सेस यूनाइटेड के बीच। तो यूनाइटेड तो बहुत ही खराब खेल रही है, यूनाइटेड कोई भी मैच नहीं जीता है अब तक, लेकिन ये जो एसटीटी है, एसटीटी ने एक मैच ऐसा खेला था 114 रन किया था, उस मैच में बहुत ही एक अच्छी इनिंग्स खेला था ये जो एसटीटी की टीम है, टाइगर्स की टीम है, लेकिन यूनाइटेड की टीम जो है वो अब तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है एसटीटी और यूनाइटेड के बीच, तो मेरे हिसाब से ये जो पहली मैच होगा, पहली मैच मैं बोलूंगा वो है कि टाइगर्स की जो टीम है वो तो अपने पिछले मैच हारा था, ये जो यूनाइटेड है यूनाइटेड भी हारा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो यूनाइटेड है, यूनाइटेड से टाइगर की टीम प्लेयर सब कुछ अच्छा है, तो ये हिसाब से टाइगर की टीम जीतने वाला है ये जो मैच है, और रेट भी अच्छी मिलेगी आप लोगों को। और दूसरी जो मैच है, दूसरी मैच तो आप लोगों के लिए क्या बताऊं कि एक ऐसी मैच है कि यार मार्केट में इतना रेट उठेगा ना इसका कि आप लोग सोच भी नहीं सकती हो, क्योंकि ये जो मैच है वो बर्मुडा यानी कि BAR और SSK के बीच होगा। तो ये जो SSK की टीम है कैसी है और किस तरह के प्लेयर है आप लोगों को मालूम ही है, और बर्मुडा की जो प्लेयर है वो अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो SSK की टीम जीतेगा। तो बर्मुडा की टीम जो है वो बहुत ही बाजी टीम है, कोई ना कोई लीग में, कोई ना कोई सीरीज में, कोई ना कोई वीक में एक ऐसी टीम होता है जिस टीम ने कोई भी मैच नहीं जीता है, लेकिन लास्ट में जाके एक ऐसा धमाका देखा था है ना, जो स्टाफ को खा देती है, जो पैसा जो सारे सप्ताह में कमाया वो एक दिन में लूट लेता है, ये जो एक ऐसी टीम है, ये बर्मुडा भी एक ऐसी टीम है, लेकिन ये जो SSK और बर्मुडा के बीच मैच होगा, इस मैच में मैं बोलूंगा कि SSK टीम जीतेगा, 100% जीतेगा। और बात करते हैं तीसरी मैच की, तो तीसरी जो मैच है वो है NSC वर्सेस SUN यानी कि यूनाइटेड के बीच। तो NSC यानी कि जो नस्का टीम है, नस्का टीम कैसी है आप लोगों को मालूम है, यूनाइटेड भी एक अच्छी टीम है, और यूनाइटेड तो एसटीटी के साथ हार के आया है, तो वो चाहेगी अपनी लास्ट मैच जीतने के लिए ये यूनाइटेड है, लेकिन ये जो NSC नस्का टीम है ये भी एक अच्छी टीम है और बहुत ही परफॉर्मेंस वाली और बहुत ही एक एंग्री टीम है ये जो NSC की टीम है, कोई भी टीम को उतना अच्छी खासी टाइम नहीं देगा ये जो NSC की टीम है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो NSC की टीम आराम से जीत जाएगी और कोई भी तकलीफ नहीं होगा ये NSC की टीम को। और बात करते हैं चौथी मैच के बारे में, तो चौथी जो मैच है वो है MCC वर्सेस SICC के बीच। तो ये जो इंटरनेशनल और ये जो क्लब है, इस दोनों टीम की अगर बात किया जाए तो मेरे हिसाब से MCC की टीम थोड़ी सी भारी है, बहुत ही अच्छी है, और MCC की टीम की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, और आप लोग देखोगे कि दो बॉलर खेलता है इस टीम में, और सभी के सभी जो है वो बैट्समैन है, 5 बैट्समैन है, ये जो 4 ऑलराउंडर है, तो बहुत एक अच्छी टीम है, और एक ऐसी टीम है कि 7-8 नंबर तक जो प्लेयर है वो अगर विकेट भी पड़ जाती है उसको, अगर 2-3 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाती है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस MCC टीम के लिए, क्योंकि MCC की टीम के पास बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है। तो मेरे हिसाब से ये जो इंटरनेशनल और क्लब की टीम बीच होगी मैच MCC और SICC के बीच, इस मैच में मैं बोलूंगा कि इस मैच में MCC टीम के साथ जाना बहुत ही आप लोगों के अच्छी होगी, लेकिन अगर इस मैच में SICC टीम टॉस जीत जाती है और टॉस जीत के वो पहले बल्लेबाजी करे तो शायद SICC की टीम के पास थोड़ा सी चांसेस रह सकती है, क्योंकि लास्ट दिन है और कोई भी मैच जैकपॉट हो सकती है आप लोगों के लिए, कोई भी मैच है इधर उधर हो सकती है, पांटर के लिए नहीं बुक्की के लिए हो सकती है, तो हिसाब से चलना मेरे भाई आज के दिन। और लास्ट मैच की बात करते हो तो लास्ट मैच तो बोलूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मैच होगी, AGC यानी कि
धोनी के साथ ये जो एससीसी की टीम है ना, एससीसी की टीम में अच्छी है ये जो दोनों टीम है। मैं बोलूंगा कि सेम टू सेम टीम है। जल में टीम आपने पिछले मैच हार चुका है और ये जो एससीसी की टीम है वो आपने पिछले मैच यानी कि कल जो है वो जीता था एससीसी की टीम। तो मेरे हिसाब से ये दोनों टीम के पास जो प्लेयर है वो दोनों को मिला के देखा जाए तो सेम टू सेम है। मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर उतना अच्छा नहीं है, दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो जालमी तो अपने पहले मैच बहुत ही अच्छी खेला था लेकिन उसके बाद सभी मैच बहुत ही खराब खेला है और इस मैच में मैं बोलूँगा कि एससीसी टीम के पल्ला थोड़ा सा भारी हो सकती है क्योंकि जालमी की टीम जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इधर से उधर हो गया कि उसकी जो कम्युनिटी है उसकी जो यूनिटी है वो एक नहीं है, यूनिटी बहुत ही टूट चुका है ये जर्मे की टीम। तो मेरे हिसाब से एससीसी टीम जीतने वाला है ये मैच, पहले बैठ कर या फिर बाद में बैठ कर, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं आज के लिए, लेकिन यार बोल देता हूं कि आज लास्ट दिन है तो लास्ट दिन एक ना एक मैच आप लोगों के लिए एक ऐसा मैच होने वाला है कि आप लोगों को होश उड़ा देगी, तो संभल के यार देख के रहना। तो चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले अभी भी हमारे साथ है, हमारे चैनल के साथ है, तो चैनल की जो लाल बटन है उसको नहीं दबाया तो दबा दो यार, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना क्योंकि मेरी अपडेट सबसे पहले आप लोगों के साथ पहुंच जाएगी। और एक बात वो ये कि यार आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है यार? आप लोग वीडियो शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते, क्यों यार क्यों? वीडियो शेयर करो और लाइक करो और जो लाल की बटन है सब्सक्राइब की बटन वो जोर से दबा दो यार, कैसे भी करके वो जोर से दबा दो। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।